ये चेक करो, जो इसका सीट है ना ये टूट चुका है, आपको भी पता होगा टूट चुका है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा टूटा है भाई, ये ऐसे निकल जा रहा है। आया था सोचा था आईफोन का काम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन आईफोन का तो कुछ भी नहीं हो सकता। टक्कर मार दूं, प्यार प्यार होता है ना ऐसे मोबाइल से। दो साल के बाद मैं टेम्पर चेंज कराया हूं इस फोन का, अब अच्छा लग रहा है ये वाला फोन। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग वीडियो। गाइज, पूरे 3 दिन के बाद गाइज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और अभी गाइज मैं फिर से उसी दुकान पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन लगवाया था। अगर आपको नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूँ, मेरे फ़ोन का स्क्रीन फूट गया था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, तो मैं चेंज कराया हूँ। और चेंज कराने के बाद गाइज दिक्कत आ रहा है, एक यहाँ पर आप इस साइड देखोगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, तो यही चीज़ मुझे सही कराना है। तो बस अभी चलते हैं, बाइक से फटाफट जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे गाइस, चलते हैं फटाफट। वैसे जाने में तो मैं फैट बाइक से भी जा सकता हूं, लेकिन फैट बाइक से इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि फटाफट जाएंगे और फटाफट आ भी जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम लगे। चलो चलो चलो, लग जा भाई। अरे लगता कैसे है, और अपने को ना इस फ़ोन का टेम्पर्ड भी लगवाना है तो वो भी लगवा लेंगे। गाइस बस अपना जो फ़ोन है वो सही हो जाए भाई। देखो मेरे फ़ोन में कोई भी दिक्कत आ जाए, बस कैमरे में दिक्कत नहीं आना चाहिए, और कैमरे में ही दिक्कत आ रहा है, तो ये चीज़ तो अपने को सही कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को वीडियोस बनाना पड़ता है, और वीडियोस बनाने के लिए गाइस अच्छी क्वालिटी चाहिए, जो कि आईफोन ही दे सकता है, और मेरा आईफोन गाइस दे ही नहीं रहा है, दे तो रहा है, लेकिन अब जो चीज़ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है भाई, वो चीज़ तो मुझे सही करानी ही पड़ेगी ना। चलो कोई नहीं, मुझे ना मैं एक गलती बस किया था, जो अपना फ़ोन है वो ले जाना चाहिए था गोरखपुर सर्विस सेंटर पर, मैं यही बस गलती किया था कि लोकल में ही सही करा दिया हूँ, जो कि मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ। वो भी 3 दिन लग गए थे भाई अपने को फ़ोन मिलने में, 3 दिन भाई साहब। अब गोरखपुर अगर मैं गया होता ना, मात्र 1 घंटे में या 2 घंटे में अपने को फ़ोन मिल जाता, लेकिन मैं ये सोच के लगवा लिया ना गौरी बाज़ार में, कहा चलो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपने एरिया में लग रहा है लगवा लेते हैं, तो लगवा लिया। अब दिक्कत अपने को आ रही है ना, अगर मैं यही सर्विस सेंटर से लगवाता तो सही लग भी जाता, सही दाम पे भी लग जाता, लेकिन कोई बात नहीं, बस सही हो जाए। ओ भाई ब्लैक हैरियर था यार, नहीं नहीं सफारी था भाई, वो भी एकदम डार्क एडिशन में। एक यहाँ पर भी दुकान है, अगर जहाँ पे मैं फ़ोन दिया था अगर वहाँ काम नहीं होगा तो मैं यहीं पे आऊँगा, पहले चलते वहाँ पे जहाँ पे फ़ोन सही कराए थे। और इधर से इतनी भयंकर धूप लग रही है ना, क्या ही बताएं। आज दिन कौन सा है, आज संडे है, ओके आज तो संडे है, संडे। ओ भाई मैं सोचा हूँ आगे निकल जाऊँगा, लेकिन आगे ऑटो है, कोई बात नहीं आराम से ही चलेंगे। आया था सोचा था आईफोन का काम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन आईफोन का तो कुछ भी नहीं हो सकता। अंकल जी कह रहे हैं डिस्प्ले चेंज कराए हो ना, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़र्क आता है उतना, ओरिजिनल डिस्प्ले होता तो सही रहता। और मैं इस फ़ोन का अपना टेम्पर चेंज करा लिया हूँ, वो भी पूरे 2 साल के बाद मैं टेम्पर चेंज कराया हूँ तो इस फ़ोन का, अब अच्छा लग रहा है ये वाला फ़ोन। बस अपने को एक तो कवर लेना है इसका, चलो सही है, अब नया नया लुक लग रहा है, लेकिन आया था आईफोन सही कराने के लिए जो कि हुआ ही नहीं। ये सर भाई सिस्टम हो गया, सिस्टम भाई पैर से बॉल रोका हूँ और आउट भी हो गया सब, और यहाँ पे देखो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया। अरे अंकल जी झाड़ू लगा रहे हैं यार। ओ भाई ये सामान देखो भाई, लग रहा कुछ बनेगा। ओ भाई यहाँ पे कौन बॉलिंग करा रहा है, वो लड़ाई कर रहा है। चलो चलो कोई नहीं, करो गाइस मेरी पैरों में भाई नए नए चप्पल, क्या सेक्सी लग रहा है ना। भाई अच्छा लग रहा है मेरे को तो, वाइट कलर का, लेकिन अंकल जी पूरा धूल धूल उड़ा रहे हैं। चलो और आगे लग जाते हैं। सो हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट डे। कल गाइस मैं इसलिए ब्लॉग नहीं किया था कल, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था, ऊपर से गाइस मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, तो आज मैं वही वाला ब्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बस अभी ब्रश करते हैं, फिर चाय पियेंगे। और हाँ गाइस एक चीज़ और बता दूँ, मैं फ़ोन सही कराने के लिए कल गया था लेकिन अपना फ़ोन सही नहीं हो पाया, कोई बात नहीं गाइस, अब थोड़ा मेहनत करेंगे और फिर एक नया आईफोन लेंगे, फिर उससे मस्त मस्त वीडियो डालेंगे। वीडियो तो आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन एक नया आईफोन लेंगे। भाई मैं एक गलती किया था, मुझे जो फ़ोन है वो सर्विस सेंटर पे ले जाना चाहिए था, मैं लोकल दुकान पे ले गया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, जो कि
अब मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर आप ये सोचते हो तो अब गाइस ये चीज़ मत सोचना कि आसपास दुकान पे जाए सही करा ले, नहीं, सर्विस सेंटर पे जाना सही हो जाएगा। भले से पैसा ज़्यादा ही लगे लेकिन सर्विस सेंटर पे ही जाना, कोई बात नहीं गाइस, एक बार एक्सपीरियंस लेना पड़ता है गाइस, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक अपना चाय बन रहा है तब तक मैं सोचा हूँ छत पे आ जाऊँ आपको मौसम दिखाने, और बहुत टाइम के बाद मैं छत पे आया हूँ गाइस। तो ये चेक करो भाई, इस पेड़ में देखो कितने सारे आम लगेंगे भाई, अगर बच गया ना गाइस तो मुझे लगता है ये पेड़ ही गिर जाएगा। देखो कितने सारे भाई साहब, भाई कसम से बहुत सारे हैं। इस अभी मैं 4 दिन पहले देखा था तो इसमें बहुत कम थे, और अभी देखो गाइस यहाँ पे लेकिन मेरा वाला आम, अरे भाई ये चेक करो गाइस, ये वाला पेड़ भी बहुत, मतलब यहाँ पे देखो आप छोटे छोटे देख सकते हो, ये भी इसमें भी आम लग रहे हैं भाई कसम से। ये वाले जो पेड़ है ना गाइस इसमें आम इतना बड़े बड़े होते हैं, इतने इतने बड़े बड़े, मेरे हाथ के इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े गाइस, इतने बड़े बड़े इस पेड़ में आम लगते हैं भाई साहब। चलो इस बार सारे पेड़ में आम लग रहे हैं, देखो इसमें भी लगे हैं, इसमें भी लगे हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं जो कि दूर दूर हैं। और हाँ गाइस ये जो घर देख रहे हो ना, ये वाला जहाँ पे आपको ये स्पीकर लगा है भाई, इसमें ना 4 दिन से वो भजन चल रहा है भाई, उसकी वजह से गाइस मैं ब्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ब्लॉग तो करना ही पड़ेगा आपसे। लेकिन अभी पता नहीं क्यों बंद हो गया, शायद उनको पता चल गया होगा कि कोई आ गया है छत पे ब्लॉग बनाने के लिए, इसलिए बंद कर दिया लो। चलो चलो ठीक है। दूर जैसे लग रहा है शीत गिरा हुआ है, शायद मुझे लग रहा है शीत अभी भी गिर रहा है, जिस हिसाब से धुंध दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वरना तो इधर से धूप तो हो ही रही है तगड़ी वाली। मेरा वाला तुमको कितना बड़ा होगा पहन के दिखाओ, वैसे तुम्हारा भी सेम ही है मेरा भी सेम ही है, इतना पहन के देखो कितना आता है तुम्हारा, मुझे इतना ही आएगा मेरा इतना आएगा, कितना आएगा, और मुझे ये बड़ा आता है, देखो इतना बड़ा आता है मेरे को, ये बहुत बड़ा आता है। हाँ तो अभी तुम छोटे हो ना, समझे, स्कूल नहीं गए वो, तुम्हारा पेपर चल रहा है ना, हाँ। तो स्कूल कहीं नहीं गए वो, अबे निकल जा, हम कैसी नहीं दे दोगे? नहीं तुम्हारे पास बाइक नहीं है, तुम हाँ तुम अपना बाइक ले लो, बाइक नहीं है, मेरा बाइक ले लो, दे दो, क्यों ये वाली अच्छी है मेरी बाइक, हाँ? नहीं जा रहा है, पेपर दे के आ गए ना, क्यों आज छुट्टी है, बड़े बच्चों का पढ़ाई है, ओ जब बड़े हो जाओगे तब नंबर दूंगा, वो पेन चल रहा है, पेन चल रहा है, किसको तूने कोचिंग पढ़ाते हो, नहीं करोड़ ना फ्री में पढ़ाऊंगा, मैं आया था यहाँ पे रील बनाने के लिए और रील तो बना ही नहीं, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा भी और बताऊंगा, पहले मेरी फैट बाइक देखो, आपको तो लग नहीं रहा होगा इसमें कुछ हुआ है, लगेगा ही नहीं, लेकिन बहुत भयंकर चीज़ हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से, ये चेक करो, जो इसका सीट है ना ये टूट चुका है, आपको भी पता होगा टूट चुका है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा टूटा है भाई, ये ऐसे निकल जा रहा है, तो मुझे नया सीट लगवाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ना, एक सेकेंड, मैं सोच रहा हूँ ये जो सीट है इसको निकाल दूँ यहाँ से खोल के और इस पर बैठ के चलाऊँगा, वैसे चल भी लेगा, देख लेते एक बार, चल तो लेगा, लेकिन थोड़ा सा बैठने में थोड़ा सा अपने को दिक्कत होगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज तो नहीं लगवाएंगे सीट, लेकिन किसी ना किसी दिन लगवाएंगे ही, अब क्या करेगा इस, पहले क्या था ना बस एक टूटा था इसका, और अब तो दोनों टूट गया, कैसे लगा था भाई, लग भी नहीं रहा यार ये तो, ओ भाई लग जा, चलो लग गया, और पता है गाइस ये कैसे रुका हुआ है, ये जो लोहा नहीं दिख रहे हो इस पे रुका हुआ है, एक तो पहले से ही टूटा था इस साइड का, हाँ इस साइड का टूटा था और उस साइड का भी टूट ही गया है, मम्मी बोल रही थी वेल्डिंग कराने के लिए, लेकिन वेल्डिंग कराऊंगा तो गाइस 50 रुपये के आसपास लग ही जाएगा, तो उससे अच्छा कि नया ही लगवा लेंगे, रुक जा भाई, चलो कि नहीं है लगवाने में तो अभी मैं जाके लगवा लूँगा, लेकिन इस टाइम पे गाइस ना मेरे इतने ज़्यादा पैसे गाइस ख़त्म हो गए ना भाई, मैं बता ही नहीं सकता, 3700 रुपये गाइस मैं आईफोन का स्क्रीन बदलवा उसमें लग गया है,
और भी बहुत कुछ हुआ है, मतलब मैं अब क्या ही बताऊँ। बस बस इतना समझ लो गाइस ना, इस महीने में मेरा बहुत मोटा खर्चा हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, अब क्या ही कर सकते हैं, जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, लेकिन मेरे साथ तो सब कुछ बुरा ही हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं जी गाइस, शाम हो चुकी है और ये रहा दुकान का चाबी। और सुबह से गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये वाला जो येल्लो कलर का घर देख रहे हो ना भाई, मतलब यहाँ पे 3 दिन से ये चीज़ चल रहा है, अभी 2 दिन या 3 दिन और चलेगा। और सुबह से नहीं चल रहा था लेकिन अभी स्टार्ट हो गया है भाई, जैसे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। अब चलो ठीक है, कोई नहीं, चल रहा है तो चलने देते हैं, हम चलते हैं दुकान में। सागे दुकान में लाइट जला दे, जिससे क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए। और मैं दुकान में किस लिए आया हूँ, 2 कारण से। पहला कारण तो आप समझ गए होंगे, दूसरा कारण मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी गाइस, दुकान में आया था, एक कारण तो मैं आपको बता दिया गाइस, दूसरा चीज़ पता है मैं किस लिए दुकान में आया था। दरअसल गाइस मेरे चैनल पे 100K हो चुके हैं, तो इस खुशी में गाइस मैं केक काट रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं सोचा हूँ, दुकान में मेरे एक तलवार रखा हुआ था इसके ऊपर, तो मैं सोचा हूँ उससे काटेंगे, लेकिन वो है ही नहीं भाई, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद अंदर चला गया, अंदर होगा या फिर किसी के पास होगा शायद। अगर अंदर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं गाइस, हमारे फ्रेंड के पास है पता नहीं कौन सा तलवार, उससे काट लेंगे। लेकिन मेरे पास भी था, लेकिन नहीं है यार, एक बार और देख लेते भाई, होना तो चाहिए। और अभी मैं जा रहा हूँ गौरी बाज़ार, लेकिन इससे नहीं जाऊँगा, ना तो इससे ना तो उससे, बल्कि आज उससे जाएंगे। महंगा वाला चप्पल पहन लिया हूँ, ये वाला मुझे चप्पल अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, पंखा बंद कर लेते पहले। चलो चलो, वाह वाह वाह, ओ भाई आज तो पूरा नहा धो के आए हो लग रहा है। तो पहले आते तो लॉलीपॉप खिलाता एक, तो उसको दे दिया, उसको दे दिया, अपना ही दे दो। नहीं नहीं काजी, वीडियो नहीं बना रहे हो आप, कंपटीशन होगा, चलो आओ। हमारे हमारे उस दिन तुम बना रहे थे ना, आज हम बना रहे हो, आओ कंपटीशन होगा। हम नहीं बना पाता हूँ वीडियो भैया। तुम तो हंसा रहे हो हमको, वीडियो इससे ना हो पाएगा, बस ना करो, बेइज्जती करूंगा झगड़ा वाला। तो जी गाइस, अभी हम लोग जा कर रहे हैं, दरअसल ये जो जा रहा है ना, इसको प्रैंक वीडियो शूट करना है लड़की के साथ, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, लेकिन देखते हैं कर पाता है या नहीं कर पाता है। ओहो, सामने तो बहुत भयंकर वाला जाम लग रहा है, कैमरा तो स्टार्ट हो गया लेकिन इस तरीके से कैमरा चला रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसका वीडियो बना रहे हो वे। हाँ बस अपने दाढ़ी का बना रहे हो, दाढ़ी दाढ़ी दिखा रहा है, लजा रहा है बेचारा, देखो देखो। दिख गया दिख गया। ये हमारा काय बना रहा है। ओ भाई साहब, ये कौन सा कैमरा मैन है, चलो सही है जो भी है। भाई हंसी आ रहा, बहुत गंदा वाला। हाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है तुम्हारे कैमरा में, आईफोन तो दिख ही रहा होगा। हाँ ये तो दिख ही रहा है, टक्कर मार दूँ, प्यार प्यार होता है ना ऐसे मोबाइल मोबाइल से। ले भाई तुम एक काम करो, जब तुम्हारा चैनल चलने लगेगा ना तो मेरा वीडियो डाउनलोड करके चढ़ाना 3 ठो, और हम दूंगा स्ट्राइक, ठीक है। ओ भाई हमारा बट रहा है, बेचती मेरा मत करियो बस, ट्रेनों में देखो ना कितने सारे हैं, तो तुम्हारा तो वैसे ही हो जा रहा है। ले लिया भाई साहब, कहाँ गया तुम्हारा, ओए जा यार, मारोगे मारोगे अब, मार लो मारो, नहीं मारो, आप क्या पहनोगे बताओ क्या हाँ बोला हाँ बोला, वो नहीं लाओ, इसका पेमेंट करो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगा रहा हूँ, इसमें का जो हुआ ना है सैयन का पहनते होगा, तो भाई रहने दो, हाँ इसमें से बोलो।
इतना बड़ बरवे ना आई बा अरे यार जो लगता है वो पूछो ना यार कहां जा नहीं रहने दो मैं नहीं पूछूंगा हम तो ऐसे ही मजाक किया था वो आने उठते ऑनलाइन मंगा देखेगा दे लो जी गाइस हम जा रहे हैं यहां पे आरती होने वाला है ना और ये चीज मुझे आज पता चला है चलो देख के आते हैं पास में गाइस हम आ गए हैं घर पे क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी ना इसलिए